पूछना मैं तुमसे कुछ, तुम्हारे जो महीने भर की तनख्वाह है उसे वो सारी तनख्वाह भी रुका, वो सारी तनख्वाह भी रुका। देखे इतना मतलब टेंशन में थी, हाइपर हो गई थी, पसीना कितना आ रहा है। इनके एज यूजुअल सबको पता ही है, हमने न्यूज़ के थ्रू सबको बताया है कि ख्याति और विशाल की बात हमारे सामने आई है और यहाँ पर ख्याति का रिश्ता तय हो रहा था। सावरी ने अच्छा खेल खेला है यहाँ पे और सबको आपस में लड़ा दिया उसने, तो हो ये रहा था कि यहाँ इनके जी जो हैं वो बड़ी मामी के साथ उनकी लड़ाई हो गई और जब शारदा जी बीच में कुछ कहने आए तो हद ही हो गई, मतलब इनके ने शारदा जी को धक्का मार दिया। अब अगर शारदा जी के साथ ऐसी बदतमीजी होगी तो मेघना कैसे बर्दाश्त करेगी, भाई बताओ। तो बस मेघना को आ गया गुस्सा और इनके से सीधा कह दिया, जब रावण का भी घमंड टूट गया था तो तुम तो एक मामूली इंसान हो, तुम्हें किस बात का इतना घमंड है। बस ये बात थी। जहाँ तक शादी की बात है तो वो कैसे होने वाला है, क्या है, कैसे होने वाला है वो तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अभी तक नहीं पता है। ये पता है मैंने अभी ख्याति को वादा किया है कि शादी तो करवा के रहूँगी तेरे विशाल के साथ में, सबके सामने मैंने प्रॉमिस किया है ख्याति से। और कल ही मैंने नैना की मदद मांगी थी, नैना से मैंने वादा लिया था कि अगर तुझे नंद किशोर चौहान के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ा ख्याति की खुशियों के लिए तो तू हिचकिचाएगी नहीं, लेगी वो स्टेप ख्याति की खुशी के लिए। सो नाउ लेट्स सी कैसे होता है। फिलहाल तो ये पता है कि करवा के तो मैं रहूँगी, मेघना ने कहा है। बाकी देखो मेघना ऐसे चिल्लाती है, बहुत कुछ करती है, हर चीज़ के लिए स्टैंड लेती है, लेकिन सक्सेसफुल कितना होता है ये तो ऑडियंस देखती है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।